मेरा नाम अग्रह शर्मा है, मैंने जनकपुरी से कोचिंग ली थी 11th 12th एंड अभी 2022 में मैंने नीट दिया है और उसमें मेरे 690 मार्क्स बने हैं विद अ रैंक ऑफ 391। मेरा नाम सौरभ यादव है, मेरे नीट 2022 में 621 मार्क्स थे। 3 ईयर का क्लासरूम प्रोग्राम किया था 10th 11th एंड 12th। मेरा नाम यश है, नीट में मैंने 638 स्कोर किया इस ईयर। आज जनकपुरी में 11th 12th पूरा स्पेंड किया, 11th ऑनलाइन 12th बीच बीच में ऑफलाइन, लॉकडाउन लगता रहता था। मैंने पर्सनली फिजिक्स की एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मोस्टली अमेरिकन प्रैक्टिस करे थे, बट अब मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि भाई एनसीईआरटी पे ध्यान दो, फिजिक्स की भी, फिजिक्स में भी बायो जब सब देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी देना ही है, फिजिक्स पे भी थोड़ा दो, क्योंकि वो थ्योरी से पूछेंगे लाइन आ जाएगी कोई तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो सेल्फ बेटर पॉइंट हो जाएगा। देखो टाइम मैनेज करने पे है, हो जाता है। मैं 11th के बाद, मेरी 11th इतनी अच्छी नहीं गई थी क्योंकि मैंने सारा घर पे किया था, तो एक टाइम था कि जब मैं थोड़ा ऐसे बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि 11th की सबकी मॉड्यूल्स पूरी हो गई थी, मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि घर पे था, घर पे कभी कभी टाइम नहीं लगता था, ऐसे ही मस्ती करता रहता था, तो मुझे भी लगता था कि 11th वेस्ट चलेगी, अब नीट नहीं होगा, तो मेरा एक महीना इसी में वेस्ट चला गया था। बाद में फिर मैंने किसी टीचर से बात करी थी तो उन्होंने समझाया था, तो मैंने 12th में सारी 11th दोबारा भी करी है जबकि मेरी 11th अच्छी नहीं गई थी। तो जब मैं नीट एग्जाम के पास आया था तो मेरी 11th जो थी वो मेरी 12th से ज्यादा स्ट्रांग थी, तो सब कुछ मैनेज करने में है, 8 महीने में करने में कोई बड़ी बात नहीं, एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा। हाँ मैंने मॉड्यूल सारी पढ़ी है, मैंने 12th के बाद 11th की सारी मॉड्यूल्स दोबारा पढ़ी थी। अब वो हर किसी का ना तरीका होता है, किसी को थियरी याद रहता है, फॉर्मूलाज याद रहते हैं, मुझे नहीं रहते थे पर्सनली। मैं मॉक टेस्ट देकर आता था, मैंने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मैं फिजिक्स में काफी कम स्कोर करके आया था क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज नहीं याद थे, तो बार बार मैं थियरी पढ़ता था तो मुझे फॉर्मूलाज याद हो जाते थे। प्लस में मैंने एक गलती करी थी, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, तो बाद में वो बड़े बड़े रजिस्टर उठाने में लगता था ये कैसे पढ़ेंगे, हाईलाइट कर रखे थे पर फिर भी ना वो लगता था कि बहुत बड़े हैं, तो अगर पहले से कोई शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे तो हेल्प करता है बाद में, मॉक टेस्ट से पहले पढ़ के चले जाए ताकि फॉर्मूलाज वगैरह याद हो जाए, लास्ट में फॉर्मूलाज मैटर।